You're a team of people. I will be giving you a problem. Okay. Some kind of a problem will be given to you. Suppose many a times it is like prioritizing. A road accident is there and you are getting late for your office. And now what will you do? Like will you save the person? Will you go back to your office? Like, what are the strategies you need to build up? Like, such kind of a situations do pop up. In actual group talk of GTs, that is 2 to 3 pages long. दो से तीन पेजेस लंबा होता है ग्रुप टास्क. ये चीज क्लियर है सबको? ग्रुप टास्क और ग्रुप डिस्कशन में एक डिफरेंस है. ग्रुप डिस्कशन में यू कैन टॉक अबाउट योर बोथ द साइड्स एंड इट कैन बी यू कैन डिसएग्री विद योर पीपल. इन ग्रुप टास्क यू हैव टू फॉर्मुलेट अ कॉमन कंक्लूजन. बाय कॉमन कंक्लूजन इज व्हेन अ प्रॉब्लम इज गिवन टू यू, यू आर गिविंग मी 5 to 6 सॉल्यूशंस ऑफ दैट प्रॉब्लम बाय हैविंग अ कॉमन ओपिनियन. लाइक सपोज सुरभि टोल्ड कि हमें फटाफट ना क्या करना चाहिए, उसके घर वालों को फोन करना चाहिए. शी गेव दिस ऑप्शन, राइट? पवित्र बोलता है फर्स्ट आई थिंक दैट वी नीड टू प्रोवाइड सम एमरजेंसी टू दैट. फर्स्ट एड किट करना चाहिए. आपका पॉइंट भी बहुत अच्छा है, बट दैट विल बी डन एट द लास्ट स्टेज. सो विल बी मेयरिंग इट आउट. फर्स्ट विल बी प्रोवाइडिंग एमरजेंसी. रोहित सेड इट आउट कि नहीं, एमरजेंसी प्रोवाइड करने से पहले हम एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, कहीं पुलिस केस ना हो. तो दे विल से नहीं, हमें पहले जान बचानी चाहिए, तो हमें एम्बुलेंस को नहीं कॉल करना चाहिए, पहले हम खुद फर्स्ट एड देना चाहेंगे. बट रोहित इज वेरी फर्म इन योर ओपिनियन और बाकी सभी रोहित से एग्री कर रहे हैं. तो पवित्र को क्या करना पड़ेगा? ही नीड्स टू एग्री विद दैट ग्रुप. क्लियर विद दिस थिंग? हाउ, वॉट आर द यस थिंग? मैम, सेम वे नाउ ग्रुप टास्क की कैसे इंट्रोडक्शन होती है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, ग्रीटिंग्स टू एवरीवन. आई शुभ्या ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस द ग्रुप टास्क. द टास्क ऑफ टुडेज डिस्कशन इज, जो भी आपको मैं टास्क शो करूंगी उसको आपको अपने वर्ड्स में बोलना है. ओके, यू हैव टू स्पीक द ग्रुप टास्क इन योर ओन वर्ड्स. आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट रीड नहीं करनी है, आपको अपने वर्ड्स में बोलना है. देन यू कैन से इट आउट, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट ग्रुप टास्क. आप उसमें फॉर्मुलेट कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग सबसे पहले ये चीज करनी चाहिए, राइट? एंड देन यू विल ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन. क्लियर हो गया ये? फाइन विद द यस मैम, इंट्रोडक्शन. इन मिडल आप एग्री कर सकते हो, डिसएग्री करते हो. सपोज आप टीम से नहीं मिल पाते हो, आप अपना प्रेजेंट कर सकते हो. सॉरी आई डोंट एग्री विद यू गाइस, बट आई वुड लाइक टू पुट अप योर पॉइंट. लेकिन आप ज्यादा देर तक अपनी टीम से डिसएग्री नहीं शो करोगे. आप धीरे, स्लोली एंड स्टेडली, इफ योर पॉइंट इज गुड योर टीम विल एक्सेप्ट इट, इफ योर पॉइंट इज नॉट गुड यू हैव टू एग्री विद योर टीम. डोंट क्रिएट अ फिश मार्केट. ट्राई टू जॉट 5 to 6 सॉल्यूशंस बाय द एंड ऑफ द टास्क. 5 से 6 सॉल्यूशंस आप मुझे दोगे. आपको 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा टू सॉल्व दिस ग्रुप टास्क. क्लियर? वन पर्सन हु वांट्स टू मैम इंट्रोड्यूस बिफोर आई शोकेस एक्चुअल ग्रुप टास्क. नाउ हु वांट्स टू इंट्रोड्यूस इट आउट? आई विल इंट्रोड्यूस, ओके, पवित्र विल इंट्रोड्यूस. हु विल कंक्लूड? आई विल कंक्लूड। ओके, नाउ कंक्लूजन हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जीटी. जीडी में कंक्लूजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर जीटी में बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको जितने भी कॉमन पॉइंट्स है वो नोट करने पड़ेंगे, ठीक है? टाइम टू टाइम इवन यू कैन आस्क द पीपल, ओके टिल नाउ वी हैव डिसाइडेड 3 of the solutions, 4 of the solutions, डू एवरीवन एग्री विद इट? हैज एनीवन गॉट एनी प्रॉब्लम विद दिस सॉल्यूशन? प्लीज पर्सन कैन रेफर इट आउट. आपको ये चीजें बोलनी, क्लियर? और बाय द एंड आपको 5 to 6 सॉल्यूशंस मुझे बताने हैं, बट सॉल्यूशंस मैच करने चाहिए हर एक के साथ. ओके, एंड दैट शुड बी ओके. ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन आई एम गोइंग टू कंक्लूड, एंड द डिस्कशन वाज अबाउट दिस थिंग. वी गेव 5 to 6 पॉइंटर्स ऑन दिस डिस्कशन. वी कैन गो फॉर दीज पर्टिकुलर सॉल्यूशंस. आप सॉल्यूशंस बताओगे क्या किया है अपनी टीम ने डिसाइड, एंड यू विल से इट आउट, दिस वाज अ सॉल्यूशन फ्रॉम आवर साइड एंड थैंक यू एवरीवन. क्लियर हो गया ये पॉइंट? नाउ द मेन टास्क विल स्टार्ट. आई विल शोकेस यू द ग्रुप टास्क. लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट विद यू. ओके, सो आई स्टार्टेड विद एचपीसीएल ग्रुप टास्क एंड इट वाज अबाउट दिस. सिमिलर टास्क आते हैं. ये छोटा टास्क था जो मैंने आपको कंपाइल किया है. टास्क क्लियर है सबको? इज द स्क्रीन विजिबल? यस मैम, नाउ यू विल गेट 3 मिनट्स गाइस टू थिंक अबाउट दिस टॉपिक. आफ्टर 3 मिनट्स वी विल स्टार्ट विद द डिस्कशन. क्लियर विद इट? आई हैव अ डाउट। लाइक इन जीडी वी लाइक इंटरैक्ट विद मींस रेजिंग हैंड, सो हियर हाउ वी कैन पार्टिसिपेट। Sorry, I cannot understand. इन जीडी वी हैव टू मींस टॉक टू आवर ओन। In GT, how we means we will start to like interact? GD, you raise the hands when you interact. तो मैं बोल रहा चाहता है कि मतलब GD में हम पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जो बोलना चाहता है मतलब बोलते जाए, और GT में मतलब हम कैसे मतलब स्टार्ट करेंगे?
सिमिलर वे मैंने अभी आपको बताया कौस्तव, सेम वे यू कैन डू इट अप. और बाइलिंगुअल रखना, द पर्सन हु नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश यू कैन टॉक इन हिंदी ऑल्सो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? पर अपने क्वालिटी कंटेंट दोगे आप, एक अच्छे अच्छे पॉइंटर्स जो देगा, ही विल विन इट आउट. ट्राई करो फर्स्ट जीटी है, नो वरीज. 10-9 हुए हैं, बाय 10-12 वी आर गोना स्टार्ट. ओके, रीड ओके इट गाइज एंड थिंक अबाउट इट. ओके गाइज, आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ. यस मैम. आई कैन स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन. कैन आई स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन गाइज? मैम. ओके, सो द टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड हैव द बेस्ट ऑफ द डिस्कशन. इवन इफ इट इज रॉन्ग, इट्स फाइन, इट्स योर फर्स्ट ग्रुप टास्क. गो अहेड, 15 मिनट स्टार्ट्स नाउ. राइट डाउन द पॉइंटर्स. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज पवित्र सांतरा. आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट द ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क फॉर टुडे, एंड द गिवन टास्क इज समथिंग लाइक दैट. लाइक वी आर पार्ट ऑफ अ एनजीओ एंड वी ऑर्गेनाइज ए प्रोग्राम फॉर द सफर फॉर द हंगर hunger people and provide some meal. And we expected that around 100 people will come, and we arranged like 100 people, but unexpectedly 200 people came, and we have to arrange same for the 200 people. So it's the problem, and now we have to find out some solution. Now I am open the house for further discussion. Hello. I think there is no Yeah, first problem off, this. if more than 100 people are there in this meal giving drive. So I think firstly we have to make the arrangement for the accommodation for extra 100 people who have come. Apart from that, we have estimated. And secondly, while giving meal to the first lot of 100 people, we have to make the parallel arrangement for extra meals so that we could compensate the meals after giving the people to the first 100 meals to meal to the first 100 people. मैं एक This और is चीज my बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें अपन ऐसा कर सकते हैं कि क्वांटिटी फिक्स कर दें, मतलब पर पर्सन के हिसाब से, और एक्स्ट्रा जिसको चाहिए होगा वो अपने हिसाब से मांग लेगा ताकि खाने की वेस्टेज ना हो, उस हिसाब से अपन बचा सकते हैं. दूसरा, अपन ये भी कर सकते हैं कि टाइम स्लॉट फिक्स कर दें ताकि अपन ऐसे टाइम स्लॉट में डिवाइड कर देंगे तो हो सकता है एक्स्ट्रा मील बनाने के लिए अपने को कुछ टाइम मिल जाए. ये दो बेसिक प्रोसेस से अपन एक टाइम ले सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा बन जाए और दूसरा वेस्टेज कम हो जाए अगर क्वांटिटी फिक्स कर दें. यस, हम आई हैव वन डिस्ट्रीब्यूशन को भी पॉइंट. बेटर कर सकते हैं. यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन को अगर बच्चों को जैसे स्मॉल क्वांटिटी में सर्व करें, मल्टीपल टाइम्स में सर्व करें, तो हम वेस्टेज को कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं. सो हम 100 की बजाय उसी मील में ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो हमको उस पर भी बहुत एक्चुअली ज़्यादा फोकस करना चाहिए. आई ऑल्सो हैव ए पॉइंट दैट वी कैन अरेंज फॉर फर्स्टली 100 पीपल, एंड व्हेन 200 पीपल कैन वी फर्स्टली फिक्स द क्वांटिटी, एंड व्हेन पैरेलली वी ट्राई टू अरेंज सम अदर अदर 100 मील फॉर अदर 100 मील ट्राई टू अरेंज पैरेलली, एंड व्हेन दिस फर्स्ट 100 people's quantity will finish at that time. I expect that our next 100 people meals will be arranged. I think so. And I think, Sir, guys, the we are a part of NGO, so we can indulge the next best batch of 100 people in different CSR social responsibility activity so that they also don't get bored or stuck at the time. Or did in that perspective, they don't want to wait for the food. They might be busy in some task. So by the task is completed, food has been arranged, and they will be provided by the food with the food. Yes, I completely Yes, agree with I you. agree But with you. when we are going for the arrange for the 200 people, simultaneously, so that also not possible. Simultaneously arrange the 200 people. So first we can
गिव द स्लॉट फॉर द 50 पीपल एंड देन गिव द स्लॉट फॉर द 50 पीपल एंड अदर्स कैन वेट इन द ऑनलाइन वेटिंग रूम और वी विल अरेंज द वेटिंग रूम एंड सम अकोमोडेशन लाइक दैट दे कैन वेट एंड एंड व्हेन दे आर वेटिंग दे विल बी वेटिंग वी विल ऑल्सो कैन अरेंज फॉर स्मॉल टी लाइक कॉफी समथिंग एल्स. Also, we can just, in order to engage them, we can just ask them to help us preparing the food. In that way, they can be engaged also. And also, it can help in speeding up the process of making more preparations in a better, faster way. क्वांटिटी को अगर हम फोकस करें, लाइक अगर जैसे दाल है या सब्जी है, इफ वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, so that can that quantity can be increased by some arrangements, like we can mix some water and in if like vegetable is dry, so we can go for like gravy vegetables. So by adding some contents like in dal, if we add some water, like we have to focus that quality didn't decrease much, so quality should be remained. So the quantity can be increased some amount in this way and can be distributed to the more people. मुझे लगता है रोहित कि जितना हमारे पास फूड अवेलेबल है मैं उतना डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. साथ ही साथ मैं इस अगर हमको नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो साथ ही साथ मैं एनजीओ के बाकी मेंबर्स जो ऑफिस में या वहां पे हैं तो उनको मैं कॉल करके बोल सकता हूँ कि इतने नंबर ऑफ मेंबर्स एक्स्ट्रा हैं तो इसके लिए फूड यहाँ पे अवेलेबल कराया जाए. तब तक मैं वो फूड डिस्ट्रीब्यूट करता रहूंगा और जब तक कि दूसरा फूड हमारे पास अवेलेबल नहीं हो जाता है तो बाकी के लोगों को मैं रोक के रखूंगा तब तक. मैडम, वी कैन कॉन्टेक्ट लोकल सोर्सेस फॉर मोर मोर फूड दैट वी कैन गेट फ्रॉम अदर सोर्सेस. हम चूंकि हम एक एनजीओ के ग्रुप मेंबर्स वहां जो प्रेजेंट होंगे, वी कैन आस्क देम to give some contribution like money contribution, and we can if everyone contributes some amount we can buy more food for the these peoples. एक चीज अपन और कर सकते हैं कि we can by collecting money we can arrange some food, and then if someone in the any of the NGO members knows some basic cooking, then we can prepare by ourselves for so that we can give them some food. So in my opinion, we have a team for NGO, and so we can divide into two teams. One team will arrange for some food, and one team will serve food to the people. And after that, simultaneously, this process will be happening. And I hope that when next 100 will come for the food, they will not wait for much time. एक चीज अपन और कर सकते हैं कि जो लोग आखिरी आखिरी में आ रहे हैं तो अपन ऐसे वो कर सकते हैं कि जो खाने कुछ होते हैं जो जल्दी प्रिपेयर हो जाते हैं, जैसे पेट भरते हैं, जैसे कि दाल चावल हो गए, वो जल्दी प्रिपेयर हो जाते हैं, तो अपन वैरायटी को कम कर लें कुछ लोगों के लिए, ताकि उनका मतलब खाना भी हो जाए, भूखे भी ना जाए और उनका पेट भी भर जाए और वो जल्दी प्रिपेयर भी हो जाए. माय ओपिनियन, हमें ऐसे सिचुएशन के लिए एडवांस में ही प्रिपेयर रहना चाहिए. लाइक हमें पहले से फंडिंग जो है कलेक्ट करके रखनी चाहिए, क्योंकि मे बी उस टाइम पे हर किसी के पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ मनी ना हो, तो हमें फंडिंग एंड जो फूड है ये सब पहले से ही हमें हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, सो दैट इन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उसी वक्त उससे मतलब डील कर सकें ऐसे सिचुएशन से. हम ऐसे फंडिंग भी होना चाहिए, और जो मैंने फ्रेंड में बोला अभी कि ग्रुप्स में बटे रहना चाहिए, कुछ ग्रुप्स टाइम मैनेजमेंट करने के लिए और कुछ कुछ क्वांटिटी फिक्स करने के लिए ये सब, और टाइम स्लॉट भी फिक्स करेंगे तो, और कोई प्रिपरेशन फूड का प्रिपरेशन जो कर रहा है उसके लिए भी ग्रुप्स अगर अरेंजमेंट करेंगे तो प्रॉपरली सब कुछ अरेंज हो जाएगा और फूड का वेस्टेज भी नहीं होगा. उसके अलावा हमें इस पे फोकस होना चाहिए कि हम एक माइनर
रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, लाइक वी कैन फोकस लाइक इन दिस सिचुएशंस हाउ वी हैव मैनेज्ड एंड व्हाट हर्डल्स कम एंड हाउ इन फ्यूचर वी कैन मैनेज इट. लाइक वन सोल्यूशन कैन बी लाइक हम एक्स्ट्रा मनी फॉर एवरी, मतलब हम 100 लोगों के लिए फूड जब भी ले जा रहे हैं तो हमें हर्डल इस तरह की आ रही है, तो हम फ्यूचर में भी और के लिए रख सकते हैं लाइक एक्स्ट्रा मनी या एक्स्ट्रा फूड ला सकते हैं, क्योंकि ऑलवेज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एक्स्ट्रा लोग आएंगे, तो हमें ऑलवेज फ्यूचर के लिए भी प्लान करना चाहिए इसके साथ. Then we can implement a ticket-based system so that right, everyone sir, can get we have that purely problem and for now, distribution. but we can plan for the future. We have to plan for the now, because the problem faced for the now, and we can when we will organize other event we can. वो इसका ख्याल रखा जाएगा, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करें उसका सोल्यूशन ढूंढने तो बेहतर होगा लोगों के. अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक फ्रेंड हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास अगर मनी है, फिक्स मनी है हमारे पास, अगर हमने फूड बाई नहीं कर चुके हैं अभी पहले से, तो अगर कुछ लोगों का खाना बनाना है तो हम उस पैसे से क्या कर सकते हैं कि हम फूड डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन सा फूड उसमें बाई करें, लाइक न्यूट्रेंट भी हाई हो और उसकी कॉस्ट भी लो हो, सो हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट. हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम खुद आपस में कॉन्ट्री करके खाना मंगवा सकते हैं. Exactly. Yes, और अगर कोई एनजीओ actually, I रिकमेंड think कीजिए जैसे firstly, I have to, you know, we have to inform the NGO head, and after that we will arrange the, I think the NGO head will send some money for the buying food, and with the helping of this money we can and manage this this food quantity. One thing एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि दे हैव सफरिंग फ्रॉम फॉर मेल न्यूट्रिशन ऑल्सो, सो फूड क्वालिटी हैव नॉट डिकेड. अच्छा, पैसा लेने के अलावा भी अपन उधारी भी ले सकते हैं राशन के लिए, हो सकता है 1-2 दिन का टाइम अपन ले सकते हैं ताकि प्रोसेस स्पीडी हो जाए. एक्चुअली प्रॉब्लम जो जो कि शॉप से कंट्रीब्यूट उधारी करने के लिए अपन मदद देता मांग सकते हैं. हाँ, मदद तो मांग सकता है. एक्चुअली उस टाइम उधर ही देगा कौन, क्योंकि एनजीओ है, एनजीओ को पहले हेड अगर इन्हें कुछ अरेंजमेंट करेगा तब कुछ कोई कुछ देगा. तो फर्स्टली वी हैव टू इन्फॉर्म द एनजीओ हेड. Also I think that कि हमें जो पीपल वहाँ पे लोग प्रेजेंट हैं उसमें जो कुछ सीनियर लोग हैं, समझदार लोग हैं, बड़े हैं, उनसे हमें बात भी कर लेनी चाहिए कि वी हैव कम विद दिस अमाउंट ऑफ फूड, सो पैनिक ना क्रिएट हो. सो वो लाइक वो तो अपने बच्चों को और जो छोटे हैं उनको समझा सकते हैं, तो हम उनको और वो जल्दी समझ भी जाएंगे, तो हम एक प्री अगर उनसे मीटिंग कर लें थोड़ी सी तो ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि बाद में वो क्योस ना हो. अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि उस मोमेंट पे मतलब कौन कौन है जो काफी भूखे हैं, तो उनको अपन पहले सर्व कर सकते हैं. कुछ लोग ऑलरेडी कुछ नाश्ता वास्ता करके रखे रहते हैं तो वो हो सकता है थोड़ा वेट कर लें, ऐसा अपन अरेंज कर सकते हैं पूछ के एक पूल करा के. साथ ही साथ हमको वहाँ पे लोगों को भी ये बताना चाहिए कि हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड है, तो जिसको जितनी भूख है उतने ही अमाउंट में ले, वेस्ट ना करें क्योंकि बाकी लोगों को जिससे मिल जाए फूड. प्री इंफॉर्मेशन इज मस्ट. Yes. Actually, we have to add some management also that who जो ख्याल रखे कि food wastage ना हो. ऐसा ग्रुप भी अपन असाइन कर सकते कि प्लेट लेते टाइम कितना फूड ले रहा है, कौन कितना वेस्टेज कर रहा है, और छोटे बच्चे आ रहे होंगे तो उनको क्वांटिटी कितना देना है वो भी डिसाइड कर रहा है, तो उसके हिसाब से मतलब फूड वेस्टेज भी कम होगा और जो भी सबको खाना भी मिल सकता है. खाना सर्व करने के लिए अपन किसी को रख सकते हैं, मतलब वो अपने हिसाब से बफे जैसे ना निकाल लें, कोई स्पेसिफिक आदमी और सर्व करने के लिए. साथ ही साथ एक और चीज मेंशन कर सकते हैं कि वहां पर जो भी बाकी के लोग रह रहे हैं उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आपके घर में एक्स्ट्रा फूड है या एक्स्ट्रा खाना है जो कि वेस्ट हो रहा हो, तो कृपया आप हमें दे दीजिए जिससे कि बाकी इन लोगों के फूड का जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व की जा सके, तो मे भी वो लोग भी हेल्प करेंगे उसमें. बट कुछ एक्सेस बच्चे में नियर वो बाय रेस्टो जो नियर बाय रेस्टोरेंट्स हैं उनमें भी बहुत लेफ्ट ओवर फूड्स होते हैं, तो उसको भी हम क्या
हम इस उनसे भी परस्पेक्टिव रिक्वेस्ट यस करते हैं. यस कंप्लीटली एग्री विद यू एंड वी आस्क फॉर द हेल्प फॉर द लोकल्स आल्सो बिकॉज आई थिंक व्हेन एनजीओ कैन समवेयर एंड लोकल विल हेल्प द एनजीओ. नहीं बट हाँ ये यार लेफ्ट ओवर फूड्स में एक इशू ये है कि अपन क्वालिटी चेक नहीं कर सकते ना, क्योंकि सब जगह से अलग अलग आप मांग रहे हैं, तो यस उसके कौन यस से आप यस हाँ अच्छा खाना बिल्कुल. खा रहे क्वालिटी हम डिक्रीज हैं। नहीं यस कर आई एग्री। सकते क्योंकि वो लोग माल न्यूट्रिशन में भी सफरिंग कर रहे हैं, तो क्वालिटी हमको मेंटेन रखना चाहिए. गाइस आई थिंक वी हैव कम टू अ वेरियस ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड फॉर एक्स्ट्रा 100 पीपल। नाउ आई थिंक वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवर सॉल्यूशंस अकॉर्डिंगली। यस So, यस I am here to tell you what you guys, what we have discussed for here for this problem. So, accordingly, you give me the priority for that particular solution. Firstly, we have discussed about accommodation of extra 100 people. So, listen carefully and we will prioritize this accordingly. Secondly, is distribution of the food. According to time slot, and we have to fix the meal according to the age, whether it is a small guy or an adult person. Thirdly, we have meanwhile time we are serving the people, serving the food for the first 100 slot. We are in that time we will give small tea or coffee to a extra 100 people slots, and then we can also contact a local store. Then altering the food by adding water. Then a person came with a solution of advanced preparation or prediction that this situation can become, so we have to be prepared accordingly. And then we, for the future, is to avoid such kind of problem. One person, one my mate has been said that we have to make a report for the future so that we could rectify such kind of problem very easily. Then we can, then another solution is that we can also contribute the money in our own community and on NGO so to make up the cost for next 100 meals. Thirdly, we have to talk to the people of next 100 slot not to panic. They would be provided with the food, but there should be some delay because of shortage of the food. And we have to give the food according to their appetite or ask the people to take food according to their appetite. And some of my mate suggested that leftover food in the restaurant should be used here. So give me the priorities of the Tanishq, the time is solution, right? already up. The priority is got to be asked within the time, not after 15 minutes. The last one Okay. minute is to conclude, to summarize. It's not to give you the pointers, to give it a rank. You want to conclude now? You can go ahead. 1 minute is left for the conclusion now. Okay, thank you, ma'am, for giving me the opportunity to conclude the GT. Firstly, I would like to thank all my teammates for giving the beautiful solution for such kind of problem. And we have jotted with some beautiful solution of this problem. Firstly, we have to be prepared in advance for such kind of situation. And we have, and if the situation is came, we have to accommodate the next lot of 100 people so that we could rectify this problem. And then the distribution of the food is being done so that we could minimize the wastage of the food. And secondly, we can also contact the local stores for providing food to us as soon as possible. And we also need to tell the public next lot people that we are with the shortage of food and would be provided with the food as soon as possible. So please don't panic. Thank you. These are the points of my team. Guys, you really think that's a solution you have provided me up? First, this was a task. ये नहीं था कि कल को ये हो जाएगा, हमें फ्यूचर के लिए रेडी रहना चाहिए. दूसरा, एक सपोज करा करो, एवरीवन अंडरस्टैंड्स हिंदी और आई शुड गो विद यू कैन से इन इंग्लिश मोड ओनली. एवरीवन अंडरस्टैंड्स हिंदी टू? यस मैम, यस मैम. यस. आदित्य, अपुन क्या होता है? अपुन को ये करना चाहिए. फॉर्मल जीटी चल रहा है कि एक जेनरिक डिस्कशन फ्रेंड्स का चल रहा है? क्लियर? स्लैंग पे कंट्रोल करो एवरीवन. इनफॉर्मल जितना तुम लोग का स्लैंग होता है उतने तुम डिस्क्वालिफाई और ऑलरेडी आउट ऑफ द लिस्ट है.
राइट, इट इज अ वे यू स्पीक इट आउट. आपकी छोटी छोटी चीजें काउंटेड हो रही हैं एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू चेक इट आउट. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग इट अ सिनेरियो. तुम लोग बैठे हो घर पे, तुम्हारे घर में रिलेटिव्स आए हैं, तुम्हारे घर में और रिलेटिव्स आ जाएं, तो तुम क्या कहोगे? वेट कर लो, हम और खाना ला रहे हैं आपके लिए. विल यू डू दैट? यू वोंट डू दैट, राइट? आप क्या करोगे? आपकी यस मम्मी क्या करते हैं? शी विल बी सर्विंग टी और समथिंग टू हर, टू दोज पीपल. वन ऑफ यू विल गो आउट, यू लाइक योर फादर और यू और योर सिस्टर, एनी पर्सन विल गो आउट, दे विल ब्रिंग सम फूड फ्रॉम आउटसाइड एंड दे विल सर्व इट आउट. डज दिस हैपन इन रियल सिचुएशंस टू? होता ही ये चीज. किस टाइम पे तुम लोग ये होते हैं? पैसे देख लेते हैं कितने पैसे पड़े हैं, हम कुछ भी सर्व कर देते हैं, उनका भूख मिट जाए. उनसे पूछेंगे कितनी कितनी भूख लगी है आप लोगों को, हम उसके अकॉर्डिंग आपको. सिनेरियो तो अलग हो गया ना, यहाँ 100 लोगों को मतलब आई टेल यू द खेलना सेम है। थिंग, यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट. 100 पीपल थे, सपोज इट वॉज 100 पीपल, हाउ केन यू डू इन दिस मैनर? लाइक द कंटेंट यू वर टेलिंग मी आउट इज कि हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी हम ना उनसे पूछेंगे कितनी भूख लगी. आप 100 लोगों से भूख पूछोगे, फर्स्ट होता है आप देखोगे कि सीनियर्स कितने हैं, हम उनके बड़ों से बात करेंगे. बल्कि आपको क्या होना चाहिए, अगर आपके पास इट इज अ काइंड ऑफ यू कैन से आपने एक सर्व किया कम्युनिटी को, जिसमें ओल्ड एज पीपल, चिल्ड्रन, इनको पहले सर्व किया जाए, या वुमेन को, दे शुड बी एट द प्रायोरिटाइज, शी शुड बी गिवन द फूड एट द फर्स्ट इंस्टेंस. जो आपके मिडिल एज यूथ आ जाता है, यू कैन टेल देम टू वेट फॉर सम टाइम, दैट कैन बी डन. यू कैन नॉट से बड़े लोगों से हम बात कर लेते हैं. Use your brain in that constant. I'll tell you a solution before I come to your feedback, which I have just drafted for you. And let me share the screen again with you. Is the screen visible, guys? Now see, आपको टीम्स बनानी होती है. जब भी कोई प्रॉब्लम है, टीम्स बनेगी. जैसे आई थिंक पवित्र वाज टेलिंग इट आउट एंड वाज अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू हैव टू टेक. आवर टीम विल टेक केयर ऑफ लेफ्ट आउट राशन, हाउ बेस्ट टू प्रोवाइड द मैक्सिमम फूड. अनदर टीम विल कीप ऑन अरेंजिंग एडिशनल राशन फ्रॉम आउटसाइड. एक जो है वो सर्व कर रही है, दूसरी क्या कर रही है, उसको इंक्रीज कर रही है. लेट डिस्कस एक्टिविटीज टू इंश्योर गुड फूड. पहली चीज, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. अगेन अ गुड कंटेंट फ्रॉम पवित्र, नॉट फ्रॉम एनी अदर पर्सन. फर्स्ट इट इज मेन्यू मील. मे बी इंस्टेड आप दो बना रहे थे, दो चीजें सर्व कर रहे थे, आप एक चीज पे आ जाओ. आपकी सर्विंग का कंटेंट क्या हो जाए, कम हो जाए. जैसे वैरायटी कम हो जाए, आप एक चीज बना दो. आइडेंटिफाई प्रायोरिटी ग्रुप्स कौन से है, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, वुमेन, इनको पहले हमें सर्व करना पड़ेगा और बाकियों को हम क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं. वी कैन से दैट वी आर सर्विंग द ओल्ड एज पीपल फर्स्ट टू सर्व everyone arrival, which everyone is like starters, या soup, या chai, या coffee, what you were telling. अब वो चीजें serve करना शुरू करो. Better than nothing, you have made them sit and you have started with this meal. This team will ensure that everyone is made to sit and food is like they are keeping with arrangements of sitting arrangement and food will come and they are keep on interacting with them for some time. That was the activity by first team. Second team क्या करेगी? Alternatives find करेगी additional ration of food के लिए. राइट, आप कम्युनिटी डोनर्स की तरफ से जा सकते हो, ठीक है, कि कोई राशन है फूड टू अस, दैट यू कैन सिंपली से आउट व्हिच एवर देयर इज अ लोकल सोसाइटी ऑफ योर्स, जहां पे आप कोई बहुत दूर नहीं जा सकते हो. आप क्या कर सकते हो, अपने राशन के, अपने एनजीओ के टॉप मैनेजमेंट से बात कर सकते हो कि राशन खत्म हो रहा है, प्लीज सेंड इट आउट. कई बार राशन की वो इंटरवल्स होती है, वो जल्दी भेज सकते हैं आपको, आपको बनाना है. राशन शॉप जो आपकी इमीडिएट विसिनिटी से है, जो इकोनॉमिकल प्राइस हो. फंडिंग नहीं करोगे, तुम लोग खुद एक एनजीओ का पार्ट हो, तुम लोग को खुद अभी चलाना है, तुम लोग पैसे इकट्ठे कर सकते हो, तुम्हें जरूरत ही नहीं था. तुम तो रेस्टोरेंट से मंगवाओ सामान और तुम कर दो उसको. इट कैन बी सम ऑफ द पैकेज फूड्स कैन बी सर्व, बट नॉट ऑल द फूड कैन बी सर्व, राइट? आपको मॉनिटरी का भी ध्यान रखना होता है जब आप सर्विंग कर रहे हो. अब अगर आपने कभी वो देखा है, लंगर देखा है किसी ने, यू माइट हैव विटनेस्ड इट आउट, राइट? व्हाट इज देयर इन दैट केस, आपको कोई नहीं बोलेगा. इट इज हैव व्हाटएवर यू वांट, राइट? अगर राशन खत्म हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ पहले आपको सप्लाई करना शुरू कर देंगे. दो चीजें नहीं, एक चीज बना देंगे. उसके बाद आपकी राशन इज नॉट अरेंज, ट्राई टू अरेंज द फूड. अगर राशन नहीं मिलता तो आप फूड पे जाओगे. तो जैसे आई थिंक सुरभि वाज सजेस्टिंग कि हम क्या कर सकते हैं, खाना बचा हुआ ले सकते हैं होटल से, बट दैट वुड बी एक्सपेंसिव फॉर यू. इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो कि पैकेज फूड, जहाँ चलो मान लिया आप लोकल शॉप से किसी से आप खाना अरेंज करवा सकते हो कुछ हद तक, राइट? अगर आपको राशन नहीं मिलता है ऑन दैट कॉस्ट ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हमारी फूड क्वालिटी, न्यूट्रिशन लेवल, किसी भी चीज पे कॉस्ट भी हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है. इट शुड बी आप बहुत ज्यादा कहीं अच्छी जगह से खाना मंगवा के सर्व कर रहे हो, वो आप अपने एनजीओ के लिए खराब कर रहे हो, देन दैट इज नॉट अ पॉइंट एंड दैट इज नॉट अ स्टेक विच यू आर मेंशनिंग इट आउट. लास्ट ग्रुप मेंशन कर रहा था कि मैम हम खिचड़ी बना के सर्व कर देते हैं, लाइक आप में से एक आई थिंक आदित्य ने बोला कि हम दाल चावल खिलाएंगे, जिससे हम क्या होगा, भूख मिट जाती है,
राइट. सो खिचड़ी इज नॉट अ न्यूट्रिशन. आपको पता है न्यूट्रिशन लिखा हुआ है ऊपर, न्यूट्रिशन मीट करनी है आपको उनकी. इट इज नॉट कि आप कुछ भी सर्व कर दोगे, कुछ भी. तो आप कॉफी चाय पिला के भी उनको भेज सकते हो, दैट्स नॉट अ पॉइंट. अब अपने अपने कंटेंट सुनो. अबित्र, यू स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन, यू आर नॉट वेरी फ्लुएंट इन इट एंड कंटेंट वॉज नॉट वेरी गुड. हाँ, इन बिटवीन जो भी आपने वैलिड पॉइंट दिए हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल द टीम मेंबर्स, यू वर द ओनली गुड जिन्होंने कंटेंट वाइज क्वालिटी दी है. अदरवाइज नन कंटेंट वॉज जस्टिफाइड. राइट. उसके बाद आ जाता है तनिष्क का पॉइंट. तनिष्क इज देयर? यस मैम. ओके तनिष, दैट्स नॉट, आप ये बोल रहे हो कि हम अरेंजमेंट करते हैं 100 पीपल का, पैल अरेंजमेंट फॉर 100 पीपल. व्हाट वाज दैट पॉइंट? वो तो पता ही आपको करना ही पड़ेगा अरेंज. इसमें आपने उनको रीजन, इनको हेल्प कैसे किया? सॉल्यूशन देना है, उसी चीज को पढ़ के नहीं बताना है. दैट वाज अ रॉन्ग टेक ऑफ योर्स. आदित्य, अपन ऐसा करते हैं, व्हाट इज, आई एम टेलिंग यू आउट हर लाइन, व्हेनेवर आई एम नोटिंग आउट योर पॉइंट्स, देयर इज अपन इन योर पॉइंट. एक्चुअली स्लैंग अपन ऐसा बोलते हैं तो अपन स्लैंग में ऐसा आ गया बोलते अपन. हैं, हम इंटरव्यू में अपन ऐसा नहीं बोल सकते हैं, यस ठीक है? उसमें यू कैन नॉट, एंड इवन इफ यू डिड इट आउट एचआर में, किसी में भी, यू विल बी आउट ऑफ इट. क्लियर? यस सर. तो डोंट गो फॉर दैट. इवन कंटेंट वाइज आई वुड से इट आउट, आदित्य, इट वाज नॉट वेरी गुड. दाल चावल नहीं बोलोगे ऐसे, ये भी नहीं, इनफॉर्मल सा, भूखो भूखे भी, कितने भूखे हैं वो पूछ लेते हैं उनसे, दैट्स नॉट अ पॉइंट. फॉर्मल स्लैंग पे जाओ. आपके जितने भी कंटेंट था, इट वॉज ऑल यू कैन से इनफॉर्मल, दैट्स नॉट अ गुड टेक ऑफ योर्स. ठीक है, तो वो चीज पे फोकस करो. उसके बाद आ जाओ ना थर्ड, रोहित. वेर इज रोहित? ओके रोहित, अगेन कमिंग टू योर पॉइंट्स. किससे पैसे मांगने हैं? आस्क देम फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर मनी, जो लोग आ रहे हैं. हाँ, जो सर्व कर रहे हैं वहां पे लोग, जो एनजीओ के पीपल ऑलरेडी हैं. आर देयर इन एनजीओ, आप उससे पैसे इकट्ठे करके, आपको राशन मंगवाना है, राशन आना चाहिए. पैसे हैं तभी तो राशन ला रहे हो ना कई जगह से. पैसे की कहाँ पे बात आ गई? फंडिंग कहाँ से आ गई ये चीज आपसे? राइट. मतलब हम जो लोग हैं एनजीओ के, उनसे तो कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं एटलीस्ट कुछ. देयर इज नथिंग अबाउट फंडिंग, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. ओके गाइस, सो व्हाट आई वाज सेइंग यू इज, रोहित, यू नीड टू कॉम्प्रीहेंड इट आउट. थोड़ा पॉइंट लॉजिकल देखो. अवेयरनेस सी, एक तो एक बच्चे ने पॉइंट दिया, आई डोंट रिमेम्बर कि किसने दिया था. नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो, हमें पहले ध्यान रखना चाहिए. सिचुएशन अब की है, अभी लोग बाहर खड़े हैं, पैसे इकट्ठे करने लग जाओगे तुम क्या करोगे? राशन इकट्ठा करोगे. तुम लोग क्या करोगे? इकट्ठा करोगे फूड, इकट्ठा करोगे तुम, मैनेज करोगे, लोकल वेंडर से मांगने जाओगे. क्लियर? थोड़ा स्मार्ट पॉइंट्स लगाओ. दैट वाज नॉट अ गुड पॉइंट फ्रॉम योर साइड रोहित. एक फ्यूचर में भी आपने यही बोला, एक्स्ट्रा क्या रखना हमें चाहिए, हाउ कम द फ्यूचर केम? क्लियर? दोनों कंटेंट वाइज क्या था प्रॉब्लम? था कंटेंट वाज नॉट गुड ऑफ योर्स. ओके नेक्स्ट कौन सा आ रहा था आपका? पवित्र. वेस पवित्र? ओके पवित्र, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अदर्स की जगह से क्वालिटी ठीक थी कि आपको स्टार्टिंग में कुछ सर्व करना चाहिए, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए. प्रॉब्लम इज ऑफ नाउ, एक्स्ट्रा क्या है, दैट्स फाइन. एंड क्वालिटी पॉइंट वॉज गुड, एंड अगेन दैट्स फाइन. एक तो रोहित, सीनियर को समझदार लोग होते हैं, वो समझाना, और छोटे को समझाना इजी हो जाएगा. द यंग पीपल, द किड्स कैन नेवर अंडरस्टैंड इफ दे आर हंग्री, दे नीड फूड. ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल. आप बोलो कि बड़े, ओल्ड एज को आप समझाओगे कि बच्चों को, दे शुड बी आवर प्रायोरिटी, वो पॉइंट बिल्कुल ही गलत था. ओके जब आप सर्व करते हो, यू टेक इट आउट, आप घर में बच्चों को पहले खाना दोगे और ओल्ड एज को पहले खाना दोगे. खुद आप फिर भी स्किप कर सकते हो बिकॉज यू आर इन द यूथ एज, कि हम बाद में भी खा सकते हैं. एंड सिमिलरली फॉर द यंगेस्ट पीपल जो आएंगे आपके पास, उनको बाद में खाना खिलाया जा सकता है. ठीक है, ओके नेक्स्ट. इट इज अबाउट कुलदीप. वेयर इज कुलदीप? ओके यस मैम. कुलदीप, अगेन योर स्लैंग वॉज ऑल्सो इनफॉर्मल. ठीक है, जैसे अगेन आई वुड से इट आउट इन टर्म्स ऑफ योर कंटेंट, आई डिडंट फाइंड मच गुड, मच बेटर, बट इट वॉज वेरी एवरेज. ठीक है, बहुत बुरा नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था, एवरेज कंटेंट था, पार्टिसिपेशन एवरेज थी. ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी गलत कंटेंट दे रहे थे, बट आप जब बोलते हो तो आपका कुछ कुछ कंटेंट है
जो आउट ऑफ वे चला जाता है, ठीक है, दूसरे फाइन ये कर ले, नॉट इवन दिस, दैट्स नॉट अ रिक्वायर्ड वन. तो जनरिक था बट इट कुड बी बेटर. आई हैव सीन यू इन जीडीज आई थिंक, राइट, ओके मैम, है ना, तो उसमें आपका बहुत कैपेबिलिटी है अभी, उसमें थोड़ा इम्प्रूव करो अभी. ओके, ओके मैम, आई थिंक हुज नाउ नेक्स्ट, तनिष्क. तनिष्क, तनिष्क पॉइंटर्स वर रॉन्ग, आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, नॉट अ गुड स्टार्ट. कंक्लूजन बिल्कुल ही जो आपने किया, आपने कंक्लूजन करना था. जब आप पूछते हो प्रायोरिटाइज करना, ये बीच में इंटरवीन करके पूछना होता है, नॉट बाय द एंड ऑफ लास्ट वन मिनट, दैट्स अ रॉन्ग टेक. एंड नॉट एज इट इज अ प्रायोरिटाइज, जब कोई बात कर रहा है बीच में पूछो, लाइक हार्डली 2-3 मिनट्स हैव टर्नड आउट. कंक्लूजन पर्सन की एक प्रॉब्लम होती है, द वे इज देयर दैट ओके एवरीवन वी हैव फाइनलाइज दिस सॉल्यूशन, सेकंड वाज दिस, थर्ड वाज दिस, सो कैन वी, एनीवन हैज एनी इश्यूज इन इट. आपको बार बार पूछ के कंक्लूजन की तरफ लेकर जाना है लोगों को. आपको एंड में प्रायोरिटाइजिंग नहीं पूछनी है, एंड देयर इज नथिंग टू प्रायोरिटाइज इन इट. प्रायोरिटाइज तब होता है जब कोई एक्सीडेंटल केस आ गया, अभी वो भी करेंगे, जब आपको, मैंने आपको कुछ हायरार्की दी है उसमें आएगा वो. आपको हर तरह के जीटी मिलेंगे, आपको पता चलेगा क्या क्या करना होता है, ठीक है. तो वो भी एक अच्छा नहीं था. सेम कंफ्यूजन गलत था, इन बिटवीन कंटेंट भी अच्छा नहीं था, नॉट गुड फर्स्ट था. और ब्यूटीफुल कंफ्यूजन क्या होता है, ब्यूटीफुल डिस्कशन क्या होती है बताओ, व्हाट इज ब्यूटीफुल डिस्कशन? कुछ भी नहीं होती, इंट्रैक्टिव होती है, गुड होती है, और यू कैन से इट आउट, हेल्दी होती है, फ्रूटफुल होती है, ये चीजें होती है. यूज द राइट वर्ड्स. क्लियर? नेक्स्ट, हु इज लेफ्ट नाउ? Anyone who I have not taken the names? Swapnil. Swapnil and Surbhi both are left, right? Okay. So Surbhi, same way, collecting. Aapka repetition of content bahut hai Surbhi. You repeat the content. Baar baar aap kis pe focus kar rahe the? Batao. Funding pe? Paise pe? Yehi point ja raha tha na? When you are in a GT, remember it out. I'm noting your points. आप कितनी बार एक point को repeat करोगे? I'll write it down and I'll say no innovative content cross. I'll keep you to the rank lower, right? More is innovative content. Every time you come up with a new idea, you have a high chances of selection, and that is the way when a group task is done. ठीक है? तो innovative content पे focus करो, repetition पे मत focus करो. And again, I would say it out. Leftover जब आप बोल रहे हो restaurant से ले आओगे. Please, ma'am, sorry to interrupt. Ma'am, may I leave because I am having my HR interview? Yeah, you can leave it. Okay. So, Surbhi, one thing to remember it out is, basically, leftover nahi bologe aap, kyunki aap nutrition pe compromise nahi kar sakte ho. I think one person pointed out, I think it was Aditya only, who told ki quality kaise check karoge, maybe, I don't remember it exactly, I have to check the written. To usme aa jata hai, Surbhi, you have to see it out, that based on without the nutrition level, we can contact the local restaurants. If the food is not arranged, if the ration is not arranged, then we can go for this medium. Okay? And taking into account the funding also, kitna money bacha hai humare paas. To ek smart answer hota. Abhi kitna smart nahi tha. Otherwise, aapka ek point tha, jo different tha sabse, but aapka wo achse se prove nahi ho paaya. तो जब भी कोई कंटेंट बोलो फॉर एवरीवन, मेक इट अ पॉइंट एवरीवन एग्रीज एंड इट इज अ वेरी गुड पॉइंट. ओके, जीटी जब आप कितना ब्रेनस्टॉर्म करते हो, कितना इनोवेटिव आइडियाज दोगे फ्यूचर में अपनी कंपनी को, राइट. सेकंड इज आप कितने कर्टियर्स हो एक दूसरे के साथ, कितनों के ओपिनियंस एग्री करते हो, क्या आप एक कॉमन सोल्यूशन पे आओगे जब आप फ्यूचर में कोई टीम में पार्टिसिपेट कर रहे हो. थर्ड इज हाउ मच यू कैन से यू आर गिविंग अ पॉजिटिव पॉइंट्स, सेविंग द रिसोर्सेस, एक्नॉलेजिंग क्या क्या एफर्ट्स है, उस तरह के मूवमेंट पे आप मूव कर रहे हो. डन, क्लियर? स्वप्निल, यू आर लेफ्ट. सो स्वप्निल, आई वुड काउंट इट आउट एज पार्टिसिपेशन वॉज लेस देन एक्सपेक्टेड, और टाइम स्लॉट क्या करेंगे आप? व्हाट वाज अबाउट टाइम स्लॉट? एक ने पॉइंट मेंशन किया था मैम कि टाइम स्लॉट ऐसे मतलब एक घंटे में कुछ 20 जन खाना खाएंगे तो सब कुछ अरेंज हो जाएगा प्रॉपरली, सो दैट्स व्हाट. फूड वेस्टेज भी नहीं होगा. नहीं, दीज आर नॉट द वैलिड पॉइंट्स व्हाट एवर यू हैव स्पोकन. ठीक है, कंटेंट वाइज इट वाज नॉट गुड ऑनेस्टली. पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा नहीं थी आपकी, कम थी देन कंपेयर टू अदर्स. पवित्र वॉज इन द पार्टिसिपेशन, आदित्य वॉज मोर इन द पार्टिसिपेशन, ये दो थे जो प्रोमिनेंट थे. आदित्य का तो पहले ही आउट हो गया था, जैसे ही मैं उसका अपन सुनती थी आई यूज टू निगलेक्ट हिम आउट. क्लियर? योर वे इज ओके ऑफ स्पीकिंग, बट दूसरों से पहले पॉइंट, इनोवेटिव अपना कंटेंट लाओ पहले तो. ठीक है,
फूड वेस्टेज भी नहीं होगा, ये नहीं है। पॉइंट्स बहुत ज्यादा थे, आपको सीनियोरिटी पे देखना है। आपको ये सिचुएशंस बोल सकते हो कि सपोज इट इज आवर ओन हाउस, वी गेट अ पीपल फ्रॉम अदर पीपल और वी हैव सम काइंड ऑफ रिलेटिव्स फ्रॉम अदर पीपल, व्हाट वी विल बी डूइंग इट आउट एट दैट टाइम, विल बी अरेंजिंग द फूड फ्रॉम द मार्केट, विल बी चेकिंग इट आउट की क्वालिटी तो नहीं हम कॉम्प्रोमाइज करें, क्योंकि आपके घर की क्वालिटी के बारे में आता है। दो टीम्स बनेंगी, मम्मी ध्यान रखती है इस तरह से, सिमिलर वे वी कैन टेक दिस थिंग इनटू सिमुलेशन। आप एग्जाम्पल से जब रिलेट करोगे ना, दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ एक्चुअली नरेटिंग द इंसिडेंट, क्लियर, एंड दैट यू हैव टू नरेट द इंसिडेंट, क्लियर गाइज। आप बताओ कोई प्रॉब्लम है? दो इट वॉज द फर्स्ट वन, इट वॉज वेरी ऑब्वियस दैट यू विल बी डूइंग इट रॉन्ग, वेरी वेरी ऑब्वियस, बट इट इज ऑलवेज अ पॉइंट। आज आपने ये भला किया है जिसमें हंगर इश्यूज का आ जाता है एक सॉल्यूशन, एक्सीडेंट का लग आता है, एजुकेशन का लग आता है, जो एक्चुअल जीटीज आएंगे केमिकल फैक्ट्रीज एंड ऑल दैट, आग लग गई है केमिकल फैक्ट्री में, न्यू हायरिंग करनी है उसमें बहुत आता है, रिसोर्सेज सेव करने हैं उसपे बहुत आता है, उसपे वर्कआउट करना शुरू करो, क्लियर, डन, एनी प्रॉब्लम? माय फीडबैक या हु इज लेफ्ट? उसका Kostov is left. Oh, sorry, Kostov. Just sorry. I could not even see your face right now. Local places, good point. Where is Kostov? First point was good कि local places पे जाना चाहिए हमें, कुछ funds, funds नहीं आएगा, funds को arrange करने नहीं जाओगे इस time, पैसा नहीं arrange करोगे, क्या arrange करोगे? खाना arrange करोगे, राशन अरेंज करोगे? Point बहुत अच्छा था local places वाला, that was a good point. Then I would say it out, Kostov. पार्टिसिपेशन कम है, पार्टिसिपेशन वॉज नॉट वेरी एप्ट ऑफ योर्स, उस पर वर्कआउट करो, कंटेंट वाइज गुड, एग्जाम्पल्स पे फोकस करो, ठीक है। जब आप कंटेंट बोलते हो उसको प्रॉपर एक्सप्लेन भी करो, आपने एक एक पॉइंट बोल के एक एक लाइनर बोल बोल के छोड़ा हुआ है, इतना शॉर्ट एंड कंटेंट नहीं होता, लॉन्ग कंटेंट होता है, प्रॉपर कंटेंट होता है। जीटी मीन्स आप एक दो बार दे रहे हो, एक इनोवेटिव सॉल्यूशन दे रहे हो, वेन एन अ टीम ऑल्सो इन द फ्यूचर ऑल्सो आपने प्रोजेक्ट्स किए होंगे, आप एक दो बार एक अच्छा प्रोजेक्ट एक टर्न देते हो, सारी टीम आपकी तरफ इंप्रेस हो जाती है, आप एंगेज करते हो टीम को कि माय सॉल्यूशन इज द बेस्ट वन, एंड इफ यू मेक योर टीम मूव टुवर्ड्स योर सॉल्यूशन, यू ऑलरेडी वॉन इट आउट। यहाँ आपका एंड के फाइनल सॉल्यूशंस में आपका नाम और आपका वो लिखा आ रहा है, तो मींस यू हैव ऑलरेडी विन इट आउट। दिस इज ओनली अबाउट जीटी, जीटी इज नॉट दैट टफ, जीटी इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। जीटी में हैक्स होते हैं, जीटी में स्मार्ट वर्क होते हैं, और जीटी का हक ये होता है कोई आपका बहुत प्रॉमिनेंट है जो बहुत ज्यादा बोल रहा है उसके किसी पॉइंट को उठा के उस पर एक्सप्लेन करना शुरू कर दो। Like Pavitra was speaking a lot, you could have taken some point of him and you could have explained that point. That's the smartest move. Clear? GDs or GTs, please guys, बहुत practice करो, because बहुत बार है एक-एक बच्चा select होता है IOCL में, बाकी सारी team disqualify होती है. And even many teams, last पूछ लो feedbacks, पूछ लो. There are the times when all the team was disqualified. Don't do that in the race. Practice करो. Very mediocre, but it was the first one, so I accept it out and I am okay with that. अब किसी को कोई प्रॉब्लम है टॉपिक में, थोड़ा करना आया कि जीटी करना कैसे इन फ्यूचर, दैट इज ओके, इतना समझ आया? सुरभि, आदित्य, ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस मैम। एनी प्रॉब्लम किसी? मैम मैम आई हैव अ क्वेश्चन, यू सेड दैट आई हैव अ प्रॉब्लम एट द स्टार्टिंग स्टार्टिंग ऑफ द जीटी, इवन कैन यू एक्सप्लेन हाउ कैन योर नरेटरी स्किल्स आर नॉट वेरी गुड पवित्र, आप बहुत अटक अटक के बोलते हो, आप बहुत लैप्स, आप इसलिए बचे हो बाकियों से बिकॉज बाकियों ने बहुत बुरा परफॉर्म किया पहली चीज, और आपका कंटेंट बाकियों से बेटर था। जब मुझे करना होता है, मुझे हायर करना है, सपोज दो लोग हायर करना है इस टीम में से, मैं उस टीम में वैलिडेट करती हूँ कंटेंट किसका अच्छा था, जार्गन किसने बहुत अच्छे से दिए, प्रोमिनेंट दिए, इनोवेटिव आइडियाज किसने हर बार दिए हैं, टीम में किसने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किया है, एंगेजमेंट किसने दिया है, उन बेसिस पे आप सिलेक्ट होते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड फ्लुएंसी ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, आप अटकते बहुत हो, और जब आप इंट्रो कर रहे हो कोई चीज कर रहे हो या बीच में भी कर रहे हो, आपको एक प्रॉपर फ्लुएंसी मेंटेन करनी पड़ती है टू मेक द मेक एन अपीयरेंस इन योर ग्रुप, क्लियर, दैट इज द प्रॉब्लम इन यू, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी। सी फर्स्ट कैन नॉट, आई एम नॉट नो वन टू गिव यू फीडबैक ऑन द फर्स्ट जीटी, बट यस नेक्स्ट जीटी ऑनवर्ड्स यू नो व्हाट टू डू इट आउट, हाउ यू नीड टू डू इट आउट, व्हाई यू वर गुड, व्हाई दे वर बैड, दैट इज ऑल यू हैव टू प्रैक्टिस इट आउट, क्लियर। आई थिंक एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, द पर्सन कैन आस्क मी बिफोर आई सम अप दिस जीटी, गुड टू गो, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट जीटी। अपने जीटी के सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा पड़े हैं, ये सारे पुराने जीटी हैं, उनको नोट करते रहना, उनको सॉल्व करते रहो, खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है। आपको दो दिन बाद लॉन्ग जीटीज मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपको 10 मिनट्स मैक्स मिलते हैं और 3 पेजेस लॉन्ग जीटी होता है, ठीक है, वो पढ़ के सॉल्व करने अपने वे में बोलना होता है। आई मेक यू लर्न दैट, क्लियर, चलो ऑल द बेस्ट गाइस, विल मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय।